हमारे अंदर भी बहुत सारी कमी है, हमारे पत्रकार साथियों के अंदर बहुत कमी है। कुछ चीजें मैं इंगित करना चाहूंगा, चूंकि मैं लगभग साल भर एक साल हो गया आपके बीच रहते हुए, जो दो तीन चीजें चूंकि आज मुझे आपने आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है कि 364 दिन आप मेरे परिवार पर, परिवार से मतलब मेरा जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, विकास प्रशासन है, उस पर आप कमेंट करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन आज एक दिन आपने मुझे दिया है, जरूर कुछ मैं कहूंगा जो साल भर के अंदर मुझे मिला है, महसूस हुआ है। कभी कभी कुछ खबरें हमारे प्रिंट मीडिया में ऐसी सब जाती है जो बिना किसी आधार की होती है, बेबुनियाद की होती है। मैंने लगातार 3-4 दिन जो हमारे खनन माफिया है, लगातार 4 दिन जाकर के 14 FIR दर्ज कराई थी, उसके बाद भी समाचार पत्र ने एकदम गलत छापा, जहां मैं जाकर स्वयं 4 दिन गया और 14 FIR कराई थी, उस पर भी गलत खबर छपी। मैंने अनुरोध किया, मुझे कहा कि वेदना तो हुई कि आपने, मैं स्वयं गया था जो किया उसके ऊपर छापा, आप इसका खंडन निकाल लीजिए। खंडन नहीं निकला। एक समाचार पत्र ने हमारे इतने शौचालय बने हैं, एक सप्ताह लगातार खबरें छापी, मैंने कहा कुछ अच्छे काम किए उसको भी निकाल लीजिए। हमारा जनपद पूर्वांचल में पहला ODM जनपद घोषित हुआ था, कमियां हर जगह है, आप पूरे प्रदेश में जाइए, सारे जनपद ODM घोषित हो चुके हैं, कमियां हर जगह मिलेंगी, लेकिन तुलनात्मक रूप में मिर्जापुर में कमियां आपको कम मिलेगी। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर आपका जनपद जो देश के 100 जनपद छाटे गए थे और इंडिपेंडेंट QCI ऑफ इंडिया, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की टीम ने सिलेक्शन किया था, उसमें आपके 100 जनपदों में जो देश के 100 जनपद हैं उसमें उत्तर प्रदेश की होगी। साथियों, जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि पत्रकार हमारे चौथे स्तंभ है, आप सभी जानते हैं, आप जो है कमियां जब उजागर करते रहते हैं, कोई खबर आप छापते हैं तो हम तत्काल उस पर रिएक्ट करते हैं। मैं अपनी दिनचर्या के विषय में आप बता दूं कि मैं जब नाश्ते पर बैठता हूं तो मेरे पास 5 पेपर रेगुलर जाते हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा और आज, ये 5 अखबार मेरे पास रेगुलर जाते हैं और मैं कैंची लेकर बैठता हूं और जो खबर रहती है, सूचना अधिकारी की कटिंग मेरे पास 3 से 4 दिन बाद आती है, मेरी कटिंग में काट के स्वयं उसी दिन अपने संबंधित अधिकारी को पत्र लेकर टेलीफोन से नाश्ता करता रहता हूँ, उनको अवगत करा देता हूँ कि पेपर में खबर छपी है, इसका जाके देखो, इसका निवारण करो। मैं आपकी खबरों के पूरा सम्मान देता हूँ, आपकी खबरों के प्रति सचेत रहता हूँ और मैं ज्यादा कुछ ना करके मैं अपनी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से आपके सहयोग की अपेक्षा करते हुए आपको ये भी आमंत्रित करता हूँ कि कहीं मुझसे भी गड़बड़ी हो, मेरे व्यक्तिगत जीवन को छोड़ करके अगर जिलाधिकारी के रूप में कहीं मुझसे भी गड़बड़ी हो रही है, आप छापिए, आपका स्वागत है, हमारे अधिकारियों के विषय में छापिए गौरव कर रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन व्यक्तिगत पीछे किसी के ऊपर मत उछालिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर भी कोई व्यक्तिगत पीछे उछालेगा तो आपको बुरा लगेगा। आपका सहयोग मुझे बराबर मिलता रहता है, हम लोग पढ़ने बैठते हैं, हमारे साथी इसमें बहुत सारे लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, हम लोग पढ़ने बैठते हैं, एक दूसरे से अपनी खबरें शेयर करते रहते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने, हमारे प्रिंट मीडिया के साथियों ने, हमारे सोशल मीडिया के साथियों ने हमारी 99% खबरों को हाईलाइट किया है, जिससे न केवल हम और हमारी टीम गौरवान्वित हुई है बल्कि हमारा जनपद भी गौरवान्वित हुआ है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और पुनः इस पत्रकारिता दिवस पर मुझे और मेरी टीम को सम्मानित करने के लिए आपको हृदय से साधुवाद भी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बिल्डर के पास एक घटना घटी थी, अभी मुश्किल से 20-25 दिन या 1 महीना पहले, उस घटना में एक बड़े पुलिस ऑफिसर के सिर पे चोट भी लग गया था, तो उस घटना को कवर करने के लिए जब हम वहां मौके पर पहुंचे तो वहां पर पत्रकारों के साथ जो व्यवहार हुआ, आज पत्रकार सीधे निशाने पर है पब्लिक के भी और प्रशासन के भी निशाने पर है, इस बात का एहसास पहले था लेकिन प्रमाणिक तौर पे इसकी प्रमाणिकता उस वक्त देखने को मिली जब हम उस समाचार को कवरेज करने के लिए गए थे। तमाम हमारे साथी पत्रकार को इस बात का एहसास होगा कि उस समय वहां उपस्थित जनसैलाब जो आक्रोशित थी वो भी पत्थर मारी और पुलिस के लोगों ने भी मीडिया के ऊपर पत्थर चलाया, ऐसी दशा में बहुत मुश्किल था उस वक्त इस चुनाव, इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। तो हम ये जानना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि पत्रकार अपने आप में इस बात को लेके जरूर सजग हो,
और प्रशासन अगर मेरे यहाँ आज मौजूद होता तो उनसे भी हम आग्रह करते हैं, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं बाकी लोग, कि ऐसी क्यों स्थिति बन रही है कि पत्रकार खुल के पत्रकारिता नहीं कर पा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, या सिर्फ पत्रकार की है या जिला प्रशासन की भी है। एक और उदाहरण था, यहाँ पे करीब डेढ़ दो साल पहले एक कि हमने तमाम लाइव प्रसारण किया हुआ है और तमाम फोटो हमने अपने चैनलों के माध्यम से जनपद की समस्याओं को उजागर भी किया है, लेकिन आज पहली बार हम किसी माइक पे बोलने जा रहे हैं और बड़े बड़े वक्ताओं को हमने देखा है बोलते हुए, इसलिए हिम्मत थोड़ा कम जुटा पा रहे हैं। तो फिलहाल चूँकि पत्रकारों का कार्यक्रम है और पत्रकारों के विषय में बोलना भी बहुत ही आवश्यक है, मेरे समझ में एक बात यह आती है कि आज का जो परिवेश है, आज का जो मुद्दा रखा गया है, पत्रकारिता का नया दौर और चुनौतियाँ, तो आज के समय में पत्रकारों के सामने तो वास्तव में बहुत ही चुनौतियां हैं। अभी एक लेटेस्ट हम आपको घटना बताएं, एक खबर हम कवरेज करने के लिए गए थे, बिल्डर के पास एक घटना घटी थी अभी मुश्किल से 20-25 दिन या एक महीना पहले। उस घटना में एक बड़े पुलिस ऑफिसर के सिर पे चोट भी लग गया था, तो उस घटना को कवर करने के लिए जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर पत्रकारों के साथ जो व्यवहार हुआ, आज पत्रकार सीधे निशाने पर है पब्लिक के भी और प्रशासन के भी निशाने पर है, इस बात का एहसास पहले था, लेकिन प्रमाणिक तौर पे इसकी प्रमाणिकता उस वक्त देखने को मिली जब हम उस समाचार को कवरेज करने के लिए गए थे। तमाम हमारे साथी पत्रकार को इस बात का एहसास होगा कि उस समय वहाँ उपस्थित जनसैलाब जो आक्रोशित थी वो भी पत्थर मारी और पुलिस के लोगों ने भी मीडिया के ऊपर पत्थर चलाया, ऐसी दशा में बहुत मुश्किल था उस वक्त इस चुनाव इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। तो हम ये जानना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि पत्रकार अपने आप में इस बात को लेके जरूर सजग हो और प्रशासन अगर मेरे यहाँ आज मौजूद होता तो उनसे भी हम आग्रह करते हैं, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं बाकी लोग, कि ऐसी क्यों स्थिति बन रही है कि पत्रकार खुल के पत्रकारिता नहीं कर पा रहा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्या सिर्फ पत्रकार की है या जिला प्रशासन की भी है। एक और उदाहरण था, यहाँ पे करीब डेढ़ दो साल पहले एक दुर्गा पूजा कार्यक्रम में भी इसी तरीके से कार्यक्रम कवरेज में पत्रकारों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उसमें भी हम काफ़ी फंसे थे और हमारे तमाम साथी भी फंसे थे, उसमें भी जम के पत्थरबाजी और गोली हुई थी जब मिर्जापुर सिटी थाना क्षेत्र भी भूखा भी गया था उस कंडीशन में। तो ये सारी स्थितियां हैं, हो सकता है कि इसके जिम्मेदार कुछ पत्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन को ये चाहिए कि अगर ऐसी समस्या आ रही है, अगर आज बड़े अधिकारी भी अगर फंसते हैं तो वो भी पत्रकार को ही कहना है कि ये स्थिति से हमको निपटना है और इस स्थिति से हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं, आज इस पर जरूर चर्चा होना चाहिए। एक बार यहाँ आज हमारे पत्रकारिता दिवस पर लोग मौजूद हैं, हम सबको बधाई इसलिए देते हैं दोबारा और मंचा सेन अपने बड़े भाइयों को कि आज हमारे इस दिवस में शरीक होने के लिए आप लोग समय निकाले हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है पत्रकारों के लिए, कुछ लेटेस्ट और नए पत्रकारों के लिए, कि जो बार बार सरके उसे सरकार कहते हैं और जो बार बार अखरे उसे अखबार कहते हैं, और जो खबर खरीद के बेचे उसे पत्रकार कहते हैं, ये भी पत्रकारों का एक फार्मूला बड़ा चर्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, पूर्णा जी को भी खास तौर पर विशेष है, खत्म होती है। यदि आगे वो शासन कोई वादा करता है तो लोग उसका विश्वास नहीं करते हैं, यही स्थिति पत्रकारिता के संदर्भ में भी है। जैसे कि अभी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि सोशल मीडिया में हमारा जो न्यूज नहीं होता है, व्यूज होता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी पत्रकारिता का बदलते स्वरूप में सोशल मीडिया की आज प्रमुखता और डिजिटल माध्यमों की प्रमुखता बढ़ी है, यदि हम उसको सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो जो हमारा विश्वसनीयता का बिंदु है वो बहुत क्षरित होगा और दीर्घ काल में इसका जो नुकसान है वो हमारे इस चौथे स्तंभ को हो सकता है। तो आज हमारे पास समय है, क्योंकि समय के साथ जब कोई नई तकनीकी आती है और उसका प्रयोग किसी भी क्षेत्र में शुरू होता है तो अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें सामने आती हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कैसे हम उन बुरी चीजों को खत्म करें, कहते साइड इफेक्ट्स। इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी,
तब इस कल लिखा था हिमालय तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभाव समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ऐसे कलमकारों को, ऐसे साहित्यकारों को आज के दिन मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सिर्फ इतना ही अनुरोध करता हूँ, सभा में जितने लोग आप लोग बौद्धिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग तय करें, निर्णय करें कि कली बेच देंगे सुमन बेच देंगे, कली बेच देंगे सुमन बेच देंगे, और जमी बेच देंगे गगन बेच देंगे, और कलम के पुजारी अगर सो गए इस वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। यह वतन न बिकने पाए, यह हिंदुस्तान या राष्ट्र बना रहे, यह जिम्मेदारी आपका है, यह आपका धर्म है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन, जय हिंद, जय भारत। माननीय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय जी को बुलाए हैं और कुछ अपनी बातें सुनने के लिए। आप लोगों की मान्यता है क्योंकि गलती सही सबसे होता रहता है और लोगों ने बातें बहुत कुछ कही। वर्बल में देखें तो टेलीफोनिक माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया वर्बल भी है और रिटेन भी है, दोनों फॉर्म में चलती है। अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो प्रिंट मीडिया है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और तीसरा फॉर्म आपका है सोशल मीडिया। प्रिंट मीडिया न्यूज इन्फॉर्मेशन, सिर्फ न्यूज नहीं, न्यूज के साथ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सारा सोशल मीडिया का पार्ट होता है। सोशल मीडिया ज्यादा लोग सोचते हैं सिर्फ ट्विटर फेसबुक पे ही सोशल मीडिया, ऐसा नहीं है। इंटरनेट का आविष्कार आज में 1960 में हो गया था यूएस में सबसे पहले, टेलीग्राफ एक्ट इंडिया में बना बहुत पहले, उसके द्वारा रेगुलेशन भी बहुत सारी चीजें पहले से ही चलती आ रही है। इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के अंदर भी बहुत सारी ऐसे धाराएं हैं जिनके तहत आपको रेगुलेट किया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जब बना तो उसमें भी बहुत सारे लॉज और रेगुलेशन बनाए गए ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको मेंटेन किया जा सके। साथ ही साथ जो सेल्फ रेगुलेटरी मीडिया की बॉडी है उसमें भी कुछ कोड कंडक्ट बने जिससे कि मीडिया सेल्फ रेगुलेट अभी आपको कर सके। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें आती है, मैं सीधा टॉपिक पे आ जाता हूँ।